पहरेदार। जनपद आगरा में दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने से पीड़ित एक महिला समाधि लेने को मजबूर हो गई। महिला के इस कदम से बौखलाए जिला प्रशासन ने न सिर्फ महिला को समाधि से बाहर निकाला बल्कि आनन फानन में जमीन की पैमाइश कर महिला को संतुष्ट भी किया। पिछले 4 साल से अपनी जमीन पाने के लिए आगरा जिला प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुकी बाईपुर सिकंदरा की पीड़ित महिला ने अपनी जमीन में समाधि लेकर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्दन से नीचे तक मिट्टी में दबी ये महिला एक यादव परिवार से पीड़ित है जिसने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। महिला इस मामले में कई दफा शिकायत कर चुकी है लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यूँ लगी मैं 4 साल से चक्कर लगा रही सब अधिकारी ने की तहसील में जा रही। क्या मामला किसके लिए? मेरे खेत पे करनल जमीन है दबा ली तो बार बार मुझे काम ना करन दे। क्या नाम है उन लोगों का? अश्वनी कुमार यादव। अकेले भाई? नहीं, शांत कुमार है, सुरेंद्र है, वो खड़े हैं सब रही, वो है वो प्रवीण है, गजेंद्र हुए, ये सब परिवार इकट्ठो है कि भाई जमीन दबा तो मेरे काम ना करन दी था। जब जब मैं अधिकारी दिन जातू मेरी कोई सुनवाई ना करते तो मुझे समाधि लेनी पड़ी। पीड़ित महिला के इस अप्रत्याशित कदम से बौखलाए पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच महिला को बाहर निकाला और उसकी जमीन की पैमाइश भी कराई जिसके बाद महिला ने राहत की सांस ली है। इससे पहले मेरी लड़की के साथ घटना है गई तो मुकदमा लिख गो लेकिन वो मुकदमा अभी खुले घूम रहे हैं, कोई नहीं पकड़ते ना पुलिस पकड़ते ना ही नहीं। अब ना गरीब जेसीबी से घर ले आके पूरी तहसील बंद करवाई गई। अब अधिकारी आए गए, मैंने समाधि ली है तब आए तो मैं अब संतुष्ट हूँ भी ना फिर। हाँ सही, पैमास बिल्कुल बैठी है, सही सही हो गई है, बिनके में मेरा बिल्कुल ना बैठा, कोई शिकायत नहीं है। नहीं, समाधि लेने को मजबूर हुई महिला जहां दबंगों से डरी सहमी है वहीं उसका कहना है कि इससे पहले भी दबंगों ने उसकी बेटी को परेशान किया जिनके खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ लेकिन वो आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। आगरा से यशपाल सिंह की रिपोर्ट।